नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आप अपने CSE UTI पोर्टल से जो माइनर का पैन कार्ड होता है वो किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसमें दोस्तों क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक वॉच कर लेना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाकर आप पे क्लिक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने CSE से UTI पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई न्यू पैन में जाना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A में जाना है और उसके बाद उसको आपको ये फॉर्म फिलअप करना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोथ फिजिकल पेन और ई पेन दोनों सेलेक्ट कर देने हैं ताकि आपको फिजिकल पेन भी मिल सके और आपकी मेल आईडी पे भी आ सके। उसके बाद आपको सबमिट का उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। रेफरेंस नंबर इसमें जनरेट हो जाता है। उसके बाद आपको सबसे पहले टाइटल चूज करना है, आप किसका अप्लाई कर रहे हैं, श्री का या श्रीमती का या कुमारी का, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले लास्ट नेम एंटर करना है, जिस भी बच्चे का आप अप्लाई कर रहे हैं। बच्चे की एज दोस्तों आपको 18 साल से कम होती है उसे ही माइनर में अप्लाई होता है। जैसे सबसे पहले आप उसका लास्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद आप उसका फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद आ जाता है नेम ऑन द कार्ड। जो नाम कार्ड छप के आने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई नाम चेंज किया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नाम प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज इसे नो कर देंगे। उसके बाद जेंडर ऑटोमेटिक यहाँ पे रहता है, मेल फीमेल। उसके बाद आपको यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है कैलेंडर के माध्यम से। जैसे आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं आप देख सकते हैं उसके सामने लिखा जाता है कि माइनर केस, ये मतलब बच्चा है इसकी 18 से एज कम है। तो उसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में आपका एड्रेस चूज कर लेना है, रेजिडेंट एड्रेस। और उसके बाद दोस्तों आपका आता है रेजिडेंट एड्रेस वो क्या है, हरियाणा आपकी स्टेट क्या है, आपको अपने अकॉर्डिंग आप स्टेट चूज कर लेनी है। और ऑफिस एड्रेस आपको यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है आपको अपना जो आधार कार्ड नंबर है एंटर करना है, जो बच्चे का आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसमें माता पिता का आधार कार्ड नंबर एंटर नहीं करना, इसमें सिर्फ बच्चे का ही आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। एक बार आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको जैसे ही बार टिक करेंगे उसके बाद आपको फिर से री एंटर करना है आधार कार्ड नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे बच्चे का जो नाम है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे यहाँ पे एक कॉलम छूट गया। अभी क्या है कि दोस्तों इन्होंने जो नया ऑप्शन अभी ऐड किया है ये है रिप्रेजेंटेटिव स्टेट का, मतलब दोस्तों जो आपके साथ माइनर के साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं जैसे मदर का या फादर का, उसका क्या स्टेट है आपको यहाँ पर बताना होता है, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आ जाती है। आप किस में क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे आधार कार्ड देंगे, उसके बाद इसमें भी आधार कार्ड देंगे और उसके बाद आप इसमें भी आधार कार्ड देंगे, मतलब दोस्तों आप एड्रेस प्रूफ में क्या लगा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में क्या लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सभी में आधार कार्ड लगा रहे हैं तो हम आधार कार्ड चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी, आपके CSE वैलेट से इसकी पेमेंट करती है 97 रुपीज़। तो वो आपको यहाँ पर अपना पहले सबसे पहले पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद आपको जो वैलेट का पिन है वो आपको एंटर करना है और इस प्रकार आपको अपनी जो CSE वैलेट से इसकी पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपका आधार एथेंटिकेशन हो जाता है, इसे आप ओके करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है कस्टमर का आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो मेल आईडी है वो एंटर करनी है और आपको ध्यान देना है जो आप इस पर अपनी जो मेल आईडी एंटर करेंगे उसी पर आपको जो ई पैन कार्ड है वो जल्दी बनकर आ जाता है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल, इसमें दोस्तों आप बच्चे के जो फादर है उसका लास्ट नेम एंटर करेंगे, उसके बाद बच्चे के फादर का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे और इन केस अगर फादर नहीं है या फिर मदर का नाम चाहते हैं पैन कार्ड पे तो आप यहाँ पे मदर का लास्ट नेम एंटर करेंगे और मदर का फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। अगर आप वहाँ पे नो पे टिक करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे फादर नेम सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करना है। सबसे पहले आपको हाउस नंबर, आपका फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको आपके विलेज का नेम है वो एंटर करना है। उसके बाद आपको पोस्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको जो सब डिविज़न है, आपका जो ब्लॉक है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और आपको ध्यान देना है कि जो आपने यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है उसी एड्रेस पर आपको जो पैन कार्ड है बाई पोस्ट भेजा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिस एड्रेस नहीं फिल करना। उसके बाद आपको बताना है इनकम ऑफ सोर्स, इसमें आप नो इनकम भी कर सकते हैं और इनकम फॉर अदर सोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो एरिया कोड होगा ये अपने आप ऑटोमेटिक उठा लेगा।
और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव में उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है जिनका भी आप साथ में डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर मदर का कर रहे हैं तो मदर की डिटेल प्रोवाइड करनी है, अगर आप यहाँ पे बच्चे के साथ फादर की डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं, फादर के आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे फादर की डिटेल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको टाइटल चूज करना है श्रीमती या श्री, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम एंटर करना है। तो जैसे हमारे केस में हम मदर का डॉक्यूमेंट साथ लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे मदर का यहाँ पे नाम लिख देंगे, और उसके बाद आपको जो भी उसका एड्रेस है वो आपको फिलअप कर देना है, जैसे उसका ब्लॉक नंबर, उसका विलेज का नेम, पोस्ट ऑफिस नेम, ठीक है, सब डिविज़न, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये सारा आपको कम्प्लीट एड्रेस भी यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है और इसमें दोस्तों आपको वेरीफायर का नेम बताना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसेट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको वेरीफायर में उसका नेम यहाँ पे एंटर करना है जिसमें आपका जो पैन कार्ड है वेरीफाई किया है। जैसे दोस्तों आप इस केस में बच्चे के साथ मदर का आधार कार्ड लगा रहे हैं तो मदर का नेम लिखेंगे, अगर आप फादर की जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप फादर का नेम लिखेंगे, वेरीफायर का नेम लिखेंगे। उसके बाद आपको वेरीफिकेशन प्लेस का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है, जो भी आपका वेरीफिकेशन प्लेस है, आपके जो सिटी है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। इस प्रकार दोस्तों आपको ये कंप्लीट फॉर्म भर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट है डिटेल आ जाती है कि आप उसमें एड्रेस प्रूफ में और आइडेंटिटी प्रूफ में और डेट ऑफ बर्थ में क्या लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार दोस्तों आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है, आपके सामने जो रिसिप्ट आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली जो, और इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप फॉर्म फिलअप करवाएंगे ऑफलाइन फॉर्म जो आपने साथ में अटैच करना है उसमें दोस्तों जो भी आप वेरीफायर लगा रहे हैं, जैसे आप मदर का साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं या फिर फादर का कर रहे हैं, तो इन केस में दोस्तों आप फादर के साइन करवाएंगे और जो फोटो होती है वो बच्चे की फ़ोटो लगेगी और जो साइन होते हैं वो मदर के या फादर के साइन होंगे। और दोस्तों जो आपका पैन कार्ड बन के आएगा उसमें सिर्फ मदर के या फादर के साइन होंगे, बच्चे के साइन नहीं होंगे और सिर्फ उसमें फ़ोटो भी नहीं लगी आएगी। इन केस में बच्चे का माइनर केस होता है तो इस कंडीशन में मदर या फादर ही उसके पैन कार्ड को वेरीफाई करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने सीएससी यूटीए पोर्टल से माइनर का पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।